नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिलन कुमार नायक और आप देख रहे हैं सिलन स्पोर्ट्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्मार्ट प्लस डबल ब्लेड हार्ड टेनिस बैट का, जो कि काफी अच्छा बैट है हार्ड टेनिस बॉल के लिए। शुरुआत करते हैं इस बैट की लकड़ी से। इस बैट को बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज किया गया है, एक प्योर कश्मीरी विलो लकड़ी का यूज किया गया है और आप देख सकते हो इसमें जो ग्रेन से क्लियरली विजिबल है आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि एक डबल शेड बैट है। यहाँ पे एक आपको रेड वुड देखने को मिलता है, यहाँ पे व्हाइट वुड देखने को मिलता है, इसको डबल शेड बैट बोला जाता है और ये बैट काफी ज्यादा डिमांड पे रहता है। काफी ज्यादा प्लेयर्स को यही लकड़ी का बैट चाहिए होता है, क्योंकि ये बैट काफी अच्छा स्ट्रोक देने के साथ साथ और ये बैट काफी लंबे समय तक टिकता भी है, मतलब टूटने का चांसेस इस बैट में बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, इसका जो हैंडल है एक थ्री पीस रबर के साथ आता है, जो कि फुल कैन हैंडल है और एक काफी अच्छा हैंडल माना जाता है इसको। अगर ये बैट के डिजाइन के बारे में बात करें तो मेरे हाथ में जो बैट है एक फोर कैप्सूल वाला बैट है और मेरे पास एक यहाँ पे सिंगल स्कूप वाला सिंगल कैप्सूल भी बोल सकते हो आप, वो एक बैट है जो कि काफी ज्यादा डिमांड पे है। और भी एक आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिक्स कैप्सूल का आता है, लेकिन वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये बैट के वेट और हाइट के बारे में बात करें तो इसका जो वेट है ये अराउंड 1050 से लेकर 1100 ग्राम के बीच में रहता है और काफी ज्यादा लाइट वेटेड फील होता है हाथ में पकड़ने पे। काफी अच्छा बैलेंस्ड बैट है और अगर आपको पता होगा, अगर आप एक प्लेयर हो तो कि बैलेंस बैट कितना जरूरी है एक प्लेयर को बड़े बड़े छक्के मारने में और सिंगल लेवल करके नीचे नीचे ग्राउंडेड शॉट खेल के स्ट्राइक को रोटेट करने के लिए ये बैट काफी ज्यादा बेस्ट है और इसमें आप इजीली लंबे लंबे सिक्स आसानी से मार सकते हो। अगर इस बैट के हाइट के बारे में बात करें तो अभी जो मेरे हाथ में एक 35 इंच का बैट है और ये जो इसका विड्थ है एक 4.5 इंच का है, इसका जो थिकनेस है ये 50 mm का है और ये जो हैंडल का साइज है ये 10.5 इंच का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये बैट कितना हाइट और कितना वेट का होगा। अगर आप 36 इंच का भी बैट चाहते हो तो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी जिस बैट का मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक स्पेशल पीस बैट है, इसमें आप देख सकते हो बाइडिंग वगैरह किया गया है और इसमें एक स्पेशल तरह की टो गार्ड भी लगाया जाता है जो कि सीमेंट पे भी टिकाओ, सीमेंट वाला विकेट जो कंक्रीट वाला विकेट होता है उसमें भी ये चल जाएगा आराम से काफी दिनों तक। तो अगर आप ये कराना चाहते हो बैट पे बाइडिंग वगैरह तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है और आपका बैट बाइडिंग और टो गार्ड के साथ आप तक पहुंच जाता है। अभी आखिरी में हम इस बैट का पिंग टेस्ट करेंगे। मैं एक ओल्ड निविया हार्ड टेनिस बॉल लाया हूँ जो कि काफी सारा प्लेयर्स प्रिफर करते हैं ओल्ड बॉल पे लंबे लंबे सिक्स मारने के लिए, इसलिए मैं एक ओल्ड निविया बॉल लाया हूँ। तो आप इस देख सकते हो कि मैं बिल्कुल भी पावर का यूज नहीं करूंगा और आप पिंग को देखिए सर कितना पावर है इस बैट में, बिल्कुल भी पावर के यूज नहीं कर रहा हूं और आप देख सकते हो कुछ साउंड ही नहीं निकल रहा है बैट से। काफी लंबा निकल रहा है तो बॉल, तो ऐसा है ये बैट का पावर कुछ इस तरह से है। काफी ज्यादा पावर है इस बैट में, काफी ज्यादा लंबे लंबे सिक्स आप आराम से इस बैट में लगा सकते हो। अगर आपको ये बैट ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए, वहीं पे सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएगा और वहीं पे आप ऑर्डर अपना कंफर्म करा सकते हो और अपना बैट 4 से 6 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, चलता हूँ, नमस्ते, थैंक यू।